हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा ये स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए, लास्ट क्लास में हमने आपको पढ़ाया था एरर और इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, लीस्ट काउंट क्या होता है, प्रॉब्लम्स कुछ हमने आपको सॉल्व कराई थी, कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स हमने आपको सॉल्व कराई थी। और अब आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट एरर का जो काम है वो हमारा फिनिश हो चुका है। आज की जो हमारी क्लास है वो एरर की बिल्कुल लास्ट क्लास है। आज के बाद हम एरर के किसी क्वेश्चन की कोई बात नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपकी डाउट क्लास होगी, जिसमें आपके एरर के जो भी डाउट होंगे वो आप हमारे साथ में डिस्कस करेंगे। बेटा, आज की आपकी एरर की बिल्कुल फाइनल और लास्ट क्लास है। आज हम एरर के कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स की बात करेंगे, कुछ एक दो प्रॉब्लम्स की हम लोग बात करेंगे, और उसके बाद में हम अपना एरर का काम फिनिश करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सबसे पहले टाइप्स ऑफ एरर पर। देखिए, एरर ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि एरर क्या होता है। जब हम कोई भी वैल्यू मेज़र करते हैं तो वो मेजर्ड वैल्यू उसकी ट्रू वैल्यू से थोड़ा डिफरेंट आती है, या थोड़ा उनके बीच में डिफरेंस आता है, उसी डिफरेंस को हम नाम देते हैं एरर। समझ आ रही है बात? जैसे मान लीजिए कि मार्कर की जो ट्रू लेंथ है, मार्कर की जो ट्रू लेंथ है वो 1 मीटर है, लेकिन जब मैंने मार्कर को मेज़र किया तो उसकी लेंथ निकल कर आई 1.1, तो ट्रू वैल्यू तो हो गई 1 मीटर जो इसके ऊपर लिखी हुई है, और एरर वाली वैल्यू हो गई 1.1, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 0.1 का डिफरेंस है। बस वही डिफरेंस हमारा एरर कहलाएगा बेटा। ठीक है, तो एरर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एरर्स के ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी बना चुके हैं। अब एरर के ऊपर जो थोड़ा सा थ्योरेटिकल काम आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेटा टॉपिक है हमारे पास में टाइप्स ऑफ एरर। सबसे पहली जो हमारे पास में एरर का टाइप है उसे हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर। आपके सामने लिखा हुआ है, एरर का जो फर्स्ट टाइप है उसे हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर। अब जानते हैं कि सिस्टमैटिक एरर क्या होती है। जैसे, अब मेरी बात ध्यान से आप लोग सुनिएगा, ट्रू वैल्यू इस मार्कर की 1 मीटर है, लेकिन जितनी भी बार मैंने मार्कर की लंबाई को मापा, मेज़र किया, हर बार इसकी लेंथ 1 मीटर से ज़्यादा निकल कर आती है। यानी एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, जितनी भी बार हम इसकी लंबाई को मापते हैं इसकी जो मेज़र्ड वैल्यू आती है वो इसकी ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आती है। बेटा, ट्रू वैल्यू है 1 मीटर, मेज़र्ड वैल्यू पहली बार मापी तो 1.1, दूसरी बार मेज़र की 1.2, तीसरी बार मेज़र किया 1.3, फिर मेज़र किया 1.4। यानी जितनी बार भी हम मार्कर की लंबाई को माप रहे हैं हर बार इसकी लंबाई ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आ रही है, या हर बार इसकी लंबाई ट्रू वैल्यू से कम आ रही है। यानी पूरा एक सिस्टम फॉलो हो रहा है, ऐसी एरर को हम नाम देते हैं बेटा सिस्टमैटिक एरर। ये एरर हमारी सिस्टमैटिक एरर कहलाती है। अच्छा, आगे फर्दर सिस्टमैटिक एरर हमारी कितने टाइप की है आप ये देखिए। आगे फर्दर सिस्टमैटिक एरर का जो पहला टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। आगे फर्दर जो हमारे पास में सिस्टमैटिक एरर का जो फर्स्ट टाइप है उसे हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से, इंस्ट्रूमेंट अगर ख़राब है, इंस्ट्रूमेंट सही नहीं है, तो इंस्ट्रूमेंट के फॉल्ट की वजह से जो एरर आती है उसे हम लोग नाम देते हैं बेटा इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की खराबी कैसे? जैसे आपका मीटर स्केल 0 से स्टार्ट होता है, आप भी जानते हैं, लेकिन मान लो कि मीटर स्केल पर मिसप्रिंटिंग हो गई और मीटर स्केल हमारा 0 से स्टार्ट ना होकर 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो वो इंस्ट्रूमेंट गलत रीडिंग हम लोगों को देगा। ऐसी एरर को हम नाम देंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर। सबसे पहले हमने आपको बताया सिस्टमैटिक एरर, ऐसा एरर जिसके अंदर एक सिस्टमैटिक पैटर्न फॉलो होता है, क्या तो हर बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आनी चाहिए, या हर बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आनी चाहिए, ऐसी एरर को हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का जो फर्स्ट टाइप है बेटा हमारे पास में वो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या हो गया? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट चूज करने की वजह से, जो फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट होता है ना,
उससे हम लोगों ने लेंथ को, मास को या किसी और चीज़ को मेज़र किया। तो गलत इंस्ट्रूमेंट से अगर आप किसी चीज़ को मेज़र करोगे तो डेफिनेटली रीडिंग भी गलत आएगी। ऐसी एरर को हम नाम देते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर। नंबर टू आता है बेटा हमारा इम्परफेक्शन एरर, इसे हम नाम देते हैं इम्परफेक्शन एरर। दिस इज कॉल्ड इम्परफेक्शन एरर। ओके, इम्परफेक्शन एरर। अब क्या होती है इम्परफेक्शन एरर? बाई फॉर एग्जाम्पल, मान लो कि हमें अर्थ से लेकर मून के बीच की लंबाई मापनी है। अर्थ से लेकर मून के बीच की बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, हजारों किलोमीटर की डिस्टेंस है, वो हमें मापनी है। और उसे मापने के लिए हमने मीटर स्केल का यूज़ किया। हम मीटर स्केल का यूज़ करके ऐसे मीटर स्केल रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, अर्थ से मून तक की डिस्टेंस मापने के लिए हम मीटर स्केल का यूज़ कर रहे हैं। लंबाई तो माप लेंगे हम, भले ही हमें हजारों साल लगे लंबाई मापने में, लेकिन हमने गलत मेथड का इस्तेमाल किया है लंबाई मापने के लिए। अगर आप मीटर स्केल का यूज़ करके बड़ी लंबाई मापोगे तो डेफिनेटली एरर आनी ही आनी है, डेफिनेटली गलती होनी ही होनी है। ऐसी एरर को हम नाम देते हैं इम्परफेक्शन एरर। गलत इंस्ट्रूमेंट, अगर इंस्ट्रूमेंट में कोई खामी है, इंस्ट्रूमेंट के अंदर कोई ख़राबी है, उसकी वजह से जो एरर आती है वो तो है इंस्ट्रूमेंटल एरर। और गलत इंस्ट्रूमेंट या गलत टेक्निक के चूज़ करने की वजह से, आपको टेक्निक आपने गलत चूज़ कर ली, गलत टेक्निक चूज़ करने की वजह से या गलत इंस्ट्रूमेंट चूज़ करने की वजह से जो एरर आती है उसे हम नाम देते हैं इम्परफेक्शन एरर। ये हमारी कहलाती है बेटा इम्परफेक्शन एरर। होप सो कि आप हमारी बात को समझ पा रहे हों। नंबर तीन हमारे पास में आता है बेटा पर्सनल एरर। अब देखो पर्सनल एरर क्या है। मान लीजिए आप अपने स्कूल की लैब के अंदर प्रैक्टिकल कर रहे हैं बेटा, ठीक है, और आपके जो ऑब्जर्वर है, आपकी जो फिज़िक्स फैकल्टी है या केमिस्ट्री फैकल्टी है या जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, मान लो कोई स्टूडेंट ही एक्सपेरिमेंट कर रहा है, उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अगर आपके पास में प्रॉपर नॉलेज नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है टीचर के पास में या ऑब्जर्वर के पास में या स्टूडेंट के पास में, तो उसकी वजह से जो एरर आती है उसे हम लोग नाम देते हैं पर्सनल एरर। अब पर्सनल एरर में आप ध्यान रखिएगा बेटा, पर्सनल एरर में कोई भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने वाली फैकल्टी भी हो सकती है, एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई ऑब्जर्वर भी हो सकता है, एक्सपेरिमेंट करने वाला कोई स्टूडेंट भी हो सकता है। जो भी एक्सपेरिमेंट करेगा उसे प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से, लैक ऑफ नॉलेज या केयरलेसनेस की वजह से या किसी और पर्सनल कारण की वजह से जो एरर अराइज होती है उसे हम लोग नाम देते हैं पर्सनल एरर। ये हमारी कहलाती है बेटा पर्सनल एरर। तो सिस्टमैटिक एरर हमारी तीन टाइप की है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको एक तो सिस्टमैटिक एरर समझ आ गया होगा अच्छे तरीके से। सिस्टमैटिक ये बिल्कुल वैसे ही आप लोगों को टेबल सेट करनी है और वैसे ही अपनी कॉपी में आप लोगों को बनानी है। सिस्टमैटिक एरर आपको समझ आ गया होगा। सिस्टमैटिक एरर क्या है कि क्या तो हर बार लंबाई ट्रू वैल्यू से ज़्यादा आएगी, या लंबाई या मास या कोई और वैल्यू, या हर बार मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम आएगी। जब एक सिस्टम फॉलो होगा, प्रॉपर सिस्टम फॉलो होगा, उस एरर को हम नाम देंगे सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर का पहला टाइप है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से जो एरर आती है वो इंस्ट्रूमेंटल एरर है। गलत इंस्ट्रूमेंट या गलत टेक्निक को चूज़ करने की वजह से जो एरर आती है वो हमारी इम्परफेक्शन एरर है, और ऑब्जर्वर की गलती की वजह से जो एरर आती है वो हमारी पर्सनल एरर है बेटा, ठीक है। अब इनका मिनिमाइजेशन कैसे किया जा सकता है, इन एरर को हम कैसे बंद कर सकते हैं, एरर आना हम कैसे बंद कर सकते हैं। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर थी, वो इंस्ट्रूमेंट की खराबी की वजह से आई थी, खराब इंस्ट्रूमेंट हमने यूज़ किया तो एरर आ गई। तो आप एक काम करो, खराब इंस्ट्रूमेंट की जगह सही इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करो। आप दो बार रीडिंग लेकर देखो, एक बार एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेकर देखो, एक बार एक इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग लेकर देखो। बात समझ में आ रही है? दोनों इंस्ट्रूमेंट में से एक इंस्ट्रूमेंट तो सही होगा ही होगा। तो इस तरीके से हम इंस्ट्रूमेंटल एरर को मिनिमाइज कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, या हम बाय चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट, हम इंस्ट्रूमेंट को चेंज करके भी इसे मिनिमाइज कर सकते हैं। नंबर टू है सही टेक्निक का यूज़ करके।
भाई जैसे यहाँ से दिल्ली तक की डिस्टेंस मुझे मेज़र करनी है, तो मीटर स्केल का तो यूज़ मैं कर नहीं सकता हूँ, मैं किसी और टेक्निक का यूज़ करूँगा। तो सही टेक्निक का यूज़ करके आप इम्परफेक्शन एरर को भी मिनिमाइज़ कर सकते हैं। पर्सनल एरर, जो ऑब्जर्वर है उसे प्रॉपर नॉलेज देकर या प्रॉपर एपरेटस की सेटिंग करके आप पर्सनल एरर को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये हो गई बेटा हमारी सिस्टमैटिक एरर, ये हो गए इसके टाइप, और ऐसे हम कर सकते हैं मिनिमाइजेशन। अब देखिए नंबर टू पर हमारे सामने आता है रैंडम एरर। नंबर टू पर है हमारे पास में रैंडम एरर। इस रैंडम एरर का दूसरा नाम होता है एक्सीडेंटल एरर। इस रैंडम एरर को हम दूसरा नाम देते हैं एक्सीडेंटल एरर। अचानक से जो एरर आ जाती है, सब कुछ सही है, सब कुछ सही है, इंस्ट्रूमेंट भी सही है, हम सही टेक्निक का यूज़ भी कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी एरर आ गई, तो इसी को हम नाम देंगे रैंडम एरर। दूसरा नाम है एक्सीडेंटल एरर। अचानक से जो एरर अराइज होती है, अचानक से जो एरर अराइज होगी उसे हम नाम देंगे रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर। अब अचानक से एरर कैसे अराइज होती है, भाई मान लीजिए कि आप अपनी लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, और उस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अचानक से टेम्परेचर डाउनफॉल कर गया, टेम्परेचर 27 से 20 पर आ गया। अब आप देखो अगर टेम्परेचर 27 से 20 पर आ गया तो तुरंत आपकी रीडिंग गड़बड़ा जाएगी, और ऐसी एरर को हम नाम देंगे रैंडम एरर और एक्सीडेंटल एरर। ये एरर हमारी रैंडम एरर या एक्सीडेंटल एरर कहलाएगी बेटा। उम्मीद करते हैं कि बात समझ आई हो आप लोगों को। ऐसी एरर को मिनिमाइज़ कैसे किया जा सकता है, एक्सीडेंटल एरर या रैंडम एरर को मिनिमाइज़ करने का तरीका ये है कि आप बहुत सारी रीडिंग लीजिए, एक रीडिंग ना लेकर कम से कम 10-12 रीडिंग लीजिए या 8-10 रीडिंग लीजिए, और उन सब रीडिंग का एक एवरेज निकाल दीजिए। 10-12 रीडिंग आप लीजिए और उन 10-12 रीडिंग का एक एवरेज निकाल दीजिए, जो एवरेज निकल कर आएगा वो काफ़ी हद तक रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर देगा बेटा, काफ़ी हद तक रैंडम एरर को मिनिमाइज़ कर देगा। तो ये जो दो चीज़ें हमने आप लोगों को बताई हैं स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टमैटिक एरर एंड सेकंड रैंडम एरर, ये है आपका थ्योरेटिकल अप्रोच ऑफ एरर। ये जो कंसेप्ट हमने बताया है आप लोगों को, ये आपकी एरर का थ्योरेटिकल अप्रोच है बेटा, ठीक है, ओके। सो आप लोग इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी के अंदर, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। अब आप हमारी बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, लास्ट 3 प्रॉब्लम्स मैं आपको कराने जा रहा हूँ एरर के ऊपर, आखिर के 3 क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ बेटा एरर के ऊपर, और इन 3 क्वेश्चन करने के बाद में हम एरर में कोई सवाल हमारा नहीं बचेगा, सब सवाल हम लोगों ने बना दिए हैं, ठीक है, ओके। और आज मैं आप लोगों के साथ में आपके चैट ग्रुप में, जहाँ पर एप्लीकेशन के अंदर आपका चैट ग्रुप है, 2 DPP शेयर करने वाला हूँ बेटा, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम एरर की जो DPPs हैं वो शेयर करने वाला हूँ। आप लोगों का होमवर्क वही है कि वो सभी दोनों की दोनों DPPs आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करने के बाद में मेरे पास में अपना होमवर्क सेंड करना है, ठीक है। तो लास्ट 3 प्रॉब्लम हमारी ये है बेटा। प्रॉब्लम नंबर 1, R1 है रेजिस्टेंस 10 प्लस माइनस 0.1 ओम। R2 है हमारे पास में 20 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है बेटा। R1 इतना है हमारे पास में और R2 इतना है हमारे पास में। हमें कहा गया एक बार तो आपको रेजिस्टेंसेस को जोड़ना है सीरीज में, एक बार रेजिस्टेंसेस को आपको जोड़ना है सीरीज में, और एक बार रेजिस्टेंसेस को जोड़ना है आपको पैरेलल में। ध्यान से हमारी बात सुनिएगा बेटा, एक बार सीरीज में जोड़ना है, एक बार पैरेलल में आपको जोड़ना है। तो आपको बताना है कि सीरीज और पैरेलल में कितनी एरर होगी। तो फर्स्ट वाला आप ये देखो बेटा, जब हम रेजिस्टेंसेस को सीरीज में जोड़ते हैं तो सीरीज में जोड़ने का तरीका है ये,
R इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू। तो यार जोड़ने का तरीका तो मैंने बहुत बार आपको सिखाया, मेन वैल्यू में मेन वैल्यू ऐड करिए 30 प्लस माइनस, एरर वाली वैल्यू में एरर वाली वैल्यू ऐड करिए 0.3 ओम। लीजिए साहब ये आंसर बन गया हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर आर वन इतना है, आर टू इतना है और रेजिस्टेंसेज को आप सीरीज में जोड़ते हैं तो ये फाइनल आंसर आप लोगों को निकल कर आने वाला है। उम्मीद है कि बात समझ आ गई होगी। ओके चलिए, बहुत इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की बेटा। सेकंड पार्ट में ये कहा गया है कि रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में जोड़ना है, रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में जोड़ना है बेटा। अब आप ये देखो कि यार पैरेलल में का जो जोड़ने का फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंसेज को, वो ये होता है 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अगर हम रेजिस्टेंसेज को पैरेलल में जोड़ेंगे तो ये तरीका निकल कर आएगा। अब ऐसा तो कोई तरीका हमने सीखा ही नहीं, जब हम एरर पढ़ रहे थे तो इस तरीके का तो कोई कंसेप्ट हमने सीखा ही नहीं। तो मैंने आप लोगों से क्या कहा था बेटा, मैंने आपसे कहा था कि जब एरर का क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व ना हो तो आप डिफरेंशिएशन का सहारा लेंगे, आप यूज़ करेंगे डिफरेंशिएशन का। कैसे? आप एक काम करिए, इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसी के भी रेस्पेक्ट में, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर दीजिए। मैंने एक्स के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन किया तो ये बन गया मेरे पास में -1/RP2। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोबारा से करना पड़ेगा DRP/dx। इसका एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो -1/R12। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोबारा से करना पड़ेगा DR1/dx। इसका करेंगे तो -1/R2। एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो दोबारा से करना पड़ेगा DR2/dx। डिफरेंशिएशन मैंने आप सभी लोगों को सिखा रखा है बेसिक मैथमेटिक्स वाले फोल्डर में। जिस बच्चे ने नहीं सीख रखा है वो पहले बेसिक मैथमेटिक्स पढ़े जाकर डिफरेंशिएशन में, तभी ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे आप लोग। जब एरर वाली प्रॉब्लम सिंपल तरीके से सॉल्व ना हो तब हम डिफरेंशिएशन का सहारा लेते हैं बेटा। अब आप देखो dx कैंसिल आउट दोनों तरफ से, माइनस कैंसिल आउट, यहाँ बचा मेरे पास में DRP/RP इज इक्वल टू, यहाँ बचा DR1/R12, यहाँ बचा मेरे पास में DR2/R22। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा। देखो RP/RP2 इज इक्वल टू DR1 कितना है, ये रहा 0.1, R1 कितना है, ये रहा 10 into 10 स्क्वायर है ना, DR2 कितना है 0.2 और R2 कितना है 20 into 20। लो बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ से ये वैल्यू निकल कर आएगी आप लोगों की। RP कहाँ से निकलेगा, आप RP को यहाँ से उठाओ और RP2 की मल्टीप्लाई आप यहाँ कर दो, RP2 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, RP कहाँ से निकलेगा आपका, RP निकलेगा इस फॉर्मूले से 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 की वैल्यू है 10 प्लस R2 की वैल्यू है 1/20, ये निकल कर आएगा 3/20 और RP की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 20/3, जिसे आप यहाँ से उठाकर यहाँ पुट कर सकते हो। तो कुछ इस तरीके से DRP आपका कैलकुलेट हो गया, RP तो वो कैलकुलेट हो गया और DRP आपका ये कैलकुलेट हो गया और फाइनली आप इसे लिख सकते हो RP+-DRP। पैरेलल में एरर को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ये बनेगा हमारा आंसर। बताओ समझ में आया या नहीं आया, मुझे लगता है कि समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए क्योंकि डिफरेंशिएशन मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। और सबसे बढ़िया तरीका मैंने आपसे क्या कहा कि जब एरर को आप फिजिक्स के तरीके से सॉल्व ना कर पाएं फिर आप एरर को मैथ्स के तरीके से सॉल्व करिए और डिफरेंशिएशन करके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करिए, ये बनेगा बेटा हमारा आंसर। ठीक है, नोट डाउन करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी हम लोग।
देखो बेटा, जैसे हम टेंथ क्लास के अंदर पढ़ते थे यू क्या होता था, यू होता था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, लेंस में मिरर में पढ़ते थे ना यू वी एफ, तो यू हमें दे रखा है ये 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, वी हमें दे रखा है 30 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर, ये U है हमारे पास में और ये V है हमारे पास में। हमें F निकालना है, F का मतलब है फोकल लेंथ ऑफ मिरर, और F को हम लिख सकते हैं F प्लस माइनस डेल्टा F कह लो या DF कह लो, एक ही बात है, ठीक है। U हमें दे रखा है, V भी हमें दे रखा है, हमें F निकालना है, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब आप याद करो कि बेटा मिरर फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में, जरा मुझे याद करके बताओ कि मिरर फॉर्मूला क्या होता था हमारे पास में, U में V में और F में क्या रिलेशन होता था हमारे पास में। रिलेशन होता था ये 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। बताइए होता था या नहीं होता था? बिल्कुल होता था। आप कहेंगे कि सर हाँ होता था, याद है हम लोगों को, होता था बिल्कुल। 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, और ये जो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1/U है ना बेटा, इसे हम सिंपल फिजिक्स के एरर के कॉन्सेप्ट को लगाकर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो हमें यहाँ यूज़ करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन मैथड का, और डिफरेंशिएशन मैथड का यूज़ करके तब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आप एक काम करो, आप किसी के भी रिस्पेक्ट में दोनों तरफ किसी के भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दो। 1/F का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के 1/F², और चूंकि ये f है और f का डिफरेंशिएशन मैंने x के रिस्पेक्ट में किया है, तो ये हो जाएगा df/dx। इसका डिफरेंशिएशन हो गया ये, और f का हो गया df/x। 1/V का डिफरेंशिएशन होगा माइनस के 1/V², और जब v का हम दोबारा से करेंगे तो ये बनेगा dv/dx, ओके। 1/U का होगा माइनस के 1/U², और जब हम u का दोबारा से करेंगे तो ये बनेगा du/dx। बहुत ध्यान से ये बात समझनी है, 1/F का डिफरेंशिएशन ये x के रेस्पेक्ट में हमने किया है, तो ये बन गई कंडीशन हमारे पास में। मैं फिर कह रहा हूँ कि जिस बच्चे ने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा है, भैया पढ़ ले, फिजिक्स बिना बेसिक मैथमेटिक्स के बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस करने में परेशानी आएगी बहुत ज़्यादा, तो इसीलिए पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अपना बिल्कुल स्ट्रांग कर ले, तब जाकर आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। डीएक्स की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, हमने दोनों तरफ से कैंसिल आउट कर दिया, हमने माइनस 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 को भी कैंसिल आउट कर दिया। यहाँ बचा हमारे पास में df लिख लो या डेल्टा f लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डेल्टा f/F², ये हो गया डेल्टा v/V² प्लस डेल्टा u/U², समझ आ रही बेटा बात? अब आप देखो डेल्टा v कितना है हमारे पास में, ये रहा डेल्टा v 0.3/30×30 प्लस डेल्टा u कितना है 0.1/10×10, ये बन गई बेटा हमारे पास में वैल्यू। एक काम करेंगे, इधर से f² हटाएंगे और f² की मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे हम लोग, यहाँ कर दी हमने मल्टीप्लाई और यहाँ कर दी मल्टीप्लाई f². अब f कैसे निकलेगा हमारे पास में, ये तो डेल्टा f निकल कर आएगा, यहाँ से f कैसे निकलेगा? F निकालने के लिए सहारा लो इसका 1/V प्लस 1/U, V कितना है 30 और U कितना है 10, 1/30 प्लस 1/10, ये हो गया 4/30, और हमारे पास में वैल्यू निकल कर आ गई F की, F इज इक्वल टू 7.5। लो भैया F को उठाकर यहाँ रखना, F तो निकल गया, F को उठाकर यहाँ रखोगे कैलकुलेट करोगे, ये निकल जाएगा आपका डेल्टा F, तो ये निकल गई हमारी फोकल लेंथ। उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आई हो, कोई दिक्कत ना हो, ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। अब एरर में इससे बढ़िया सवाल नहीं पूछा जा सकता भैया, इससे बढ़िया सवाल पूछा ही नहीं जा सकता है एरर में,
ये बिल्कुल एरर का लास्ट और एक्सट्रीम प्रॉब्लम है, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एरर के अंदर, कर लीजिए नोट डाउन। अब एक प्रॉब्लम मैं आप लोगों को करने के लिए दे रहा हूं बच्चों, प्रॉब्लम नंबर 3। U हमें दे रखा है 40 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, V हमें दे रखा है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर, F निकालना है आपको। बात हो रही है लेंस की, और लेंस का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में वो ये होता है, लेंस के लिए 1/V माइनस 1/U। मैं चाहूँगा कि आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके मुझे F की वैल्यू बताएं कितनी आएगी, ठीक है। यह है हमारे पास में लेंस फॉर्मूला, 1/F इज इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। आप इसे सॉल्व करें और सॉल्व करके यहाँ से फोकल लेंथ की वैल्यू हमें निकाल कर बताएं कितनी आएगी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन करिए बेटा। तो इस क्वेश्चन के साथ एरर का कंसेप्ट आप लोगों का हो गया है बेटा फिनिश, ठीक है। इस कंसेप्ट के साथ एरर का कॉन्सेप्ट आप लोगों का फिनिश हो चुका है, एरर मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया है। आज टॉपिक फिनिश हो गया तो नया टॉपिक मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, फिर टॉपिक भी बड़ा है तो मुझे चीज़ें बतानी पड़ेगी, फिर नहीं तो बीच में रोकना पड़ेगा। तो नया टॉपिक हम कल की क्लास से ही स्टार्ट करेंगे बेटा, और नया टॉपिक है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन का टॉपिक है हमारा नया, 3 से 4 दिन का समय लगेगा हम लोगों को डायमेंशन पढ़ने में, और फिर 2 से 3 दिन का समय लगेगा हम लोगों को यूनिट पढ़ने में, यानी लगभग नेक्स्ट वेनसडे तक हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से। मैं आप लोगों के साथ में एरर की DBP शेयर करूँगा, उन सारी DBPs को आपको सॉल्व करना है और मेरे पास में उनका सोल्यूशन आपको भेजना है। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को डाउट आएगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मेरे साथ में शेयर करें, मैं आपको उसका सलूशन बताऊंगा बेटा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सभी चीज़ें आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आई हो। हाँ, सबसे ज़रूरी बात, जिन बच्चों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा है वो जल्दी से डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ें और फिर क्वेश्चन ट्राई करें, ओके। चलिए, आप लोगों से कल की क्लास में मुलाकात होगी।